हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के अंदर आपको एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ईमेल के ऊपर। ओके, आपने देखा भी होगा और ये आपको टोटल 4 मार्क्स के लिए पूछता है। इसके हम आपको पूरे स्टेप्स बताएंगे, आई होप आपको ये पसंद आएगा। हम अभी 2022 के लिए स्टडी कर रहे हैं। बस आज कितनी 2 तारीख लग गई है रात में, इतने रात को मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। 4 तारीख को आपका क्या है, पेपर है। ओके, सेक्शन थर्ड है आपका, इसमें राइटिंग स्किल। इसके अंदर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग आपको किस तरीके से लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मेरा वीडियो बहुत ही जल्द आपको रिव्यू और अपील और ब्लॉग के ऊपर मिल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद मैं आपको नावेल और ये सब कल या परसों कराता रहूँगा। ईमेल के ऊपर आज हमारा वीडियो है, देखते हैं ईमेल कैसे लिखते हैं, इसके क्या स्टेप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड, ये सब आज हम बहुत अच्छे से देख लें। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले देखिए, टेक द हेल्प ऑफ टेम्पलेट गिवन बिलो। दिस इज़ अ बेसिक टेम्पलेट दैट कैन बी चेंज एडिट ऑन टू एज द सिचुएशन रिक्वायर्ड। ये जो टेम्पलेट आपको दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। टेम्पलेट फॉर फॉर्मल ईमेल्स, सबसे पहले जो आपका स्टेप होगा इसके अंदर आप क्या करेंगे, कहाँ क्या ये ग्रीन कर देंगे। टाइप इन द ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन टू हुम यू आर सेंडिंग द ईमेल। सबसे पहले आप उसका ईमेल लिखेंगे जिसको आप ईमेल भेज रहे हो। तो इसके अंदर आप जैसा सबसे पहले हमने ईमेल लिख डाली, ठीक है, जिसको हम सेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप नंबर 2, टाइप द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन द सब्जेक्ट लाइन, एड CC/BCC इफ नेसेसरी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। ओके, क्या सब्जेक्ट होगा आपका, एप्लीकेशन किसके लिए है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर HR एग्जीक्यूटिव HRX 56, या जो आप ऐसे लिख सकते एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी होगी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। ओके, इसके बाद आपका जो थर्ड लेवल है उसमें क्या है, मेन लेटर। आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आपका मेन लेटर लिखोगे। मेन लेटर के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है सलूटेशन, जैसा कि डियर सर, मैडम, जो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बॉडी ऑफ लेटर। अब इसमें हम देखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या लिखना है, रीज़न फॉर योर मेल, आपके मेल लिखने का रीज़न क्या है। दूसरी बात, वेयर यू केम टू नो अबाउट द जॉब, अदर इशूज़ एक्सेट्रा। मैंशन द जॉब टाइटल इफ़ इट इज़ फॉर अ जॉब एप्लीकेशन। आप जिसके लिए भी लिख रहे, जॉब के लिए लिख रहे हो, जिस मामले भी, तो उसको आपको क्या करना है, मेंशन लिखना है। जॉब के लिए लिख रहे हो तो मेंशन करना है। अगर आप जैसा कि इससे पहले आपने कहीं लेटर देखे होंगे, किसी बारे में अपील होती है कि भाई डर्टी एरिया है, इसको क्लीन करो, हम क्या किसको लिखते हैं, म्यूनसिपल्टी लिखते हैं, तो उसके बारे में क्या करते हैं, हम उसे मेंशन करते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, मेंशन करना है। ओके, इसके बाद आपका जो सेकंड पैराग्राफ होगा इसमें क्या होगा, यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस विच आर रिलेवेंट फॉर द जॉब। आपको वो सारी अपनी क्वालिफिकेशन लिखना है जो जॉब के लिए रिलेवेंट हो। इन ब्रीफ, जिसको आपको किस में लिखना है, ब्रीफ में लिखना है, बहुत ही छोटे, इसमें बहुत ही छोटा मोटा पैसेज आपको लिखना है। राइट व्हाट स्किल्स यू हैव टू ऑफर द एम्प्लॉयर, और वो सारी आपको लिखना है अपनी स्किल जिसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, एम्प्लॉय चाहते हैं। ओनली द मेन पॉइंट्स शुड बी रिटन, बहुत ही क्या करना है आपको, मेन पॉइंट लिखना है, कुछ भी लिखते नहीं बैठना है। द डिटेल्स विल फॉलो इन द CV, इन द CV फॉर अदर टाइप्स ऑफ लेटर्स मेंशन इन द डिटेल द इशू प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, डिटेल CV को क्या करना है, डिटेल में फॉलो करना है फॉर अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन।
और मेंशन किस में करना है, डिटेल में लिखना है, जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, इन सब को मेंशन करना है। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड पैसेज, कंक्लूड योर ईमेल बाय थैंकिंग द एम्प्लॉयर फॉर कंसिडरिंग यू फॉर द पोजिशन, इंडिकेट दैट यू आर ईगर टू मीट फॉर अदर फॉर्मल ईमेल्स, ऑफर सजेशन, आस्क फॉर पर्सन। आपका जो थर्ड पैसेज होगा, पैराग्राफ होगा, इसमें आपको क्या करना है, कंक्लूड कर देना है। ओके, यानी कि आपको थैंक यू लिखना है उस एम्प्लॉयर को जो आपका मेल पढ़ेगा, और उसको क्या करना है, किस कंसिडरिंग यू फॉर द पोजिशन, वो आपकी पोजिशन को क्या करे, समझ रहा हो, इंडिकेट डेट यू आर ईगर टू मीट, और आप क्या, और ये बात को इंडिकेट करना है, इशारा देना है कि आप जल्दी से मिलना चाहते हो। फॉर अदर फॉर्मल ईमेल, ऑफर सजेशन, आस्क फॉर रिस्पॉन्स, और उसे कहना है कि भाई जल्द से जल्द हमें क्या करो, रिस्पॉन्स करो आप, ठीक है। नहीं, हम ईमेल लिख देते, सामने वाला हमको बहुत टाइम से क्या नहीं कर रहा, रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। अब आपका जो होगा क्वेश्चन इस तरह से होगा, ओके, देख लेंगे। रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड प्रिपेयर अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू बी सेंड बाय ईमेल, डू नॉट गिव योर बायोडाटा। आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट का जो पेपर है, क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, जो नीचे जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, इसको क्या करना है, आपको रीड करना है एंड प्रिपेयर अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू बी सेंड बाई ईमेल, और आपको एक लेटर को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, और उसे कैसे सेंड करना है, ईमेल के द्वारा। डू नॉट गिव योर बायोडाटा, और अपना बायोडाटा नहीं देना है। बच्चे क्या करते, अपना नाम देते, नंबर देते, सब देते, और उनकी ये कोशिश रहती है कि भाई अगर हमारा पेपर फेल हो रहा है तो ये बंदा चेक करने वाला क्या करे, हमारा पेपर लेकर हमें कॉल करे और हमसे पैसे ले दे कि क्या करे, हमें पास करे, जो कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, अपराध है, गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम नहीं लिखना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, आपने ABCD XYZ कुछ भी लिखना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे सिचुएशन वैकेंट, वांटेड अ कंप्यूटर इंजीनियर। सिचुएशन वैकेंट की क्या है, वैकेंसी है, उसके अंदर आपको क्या है, उनको एक कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड बी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कैंडिडेट है उसने भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो पास करना ही चाहिए। एक्सपीरियंस होल्डर विल बी, क्या लिखा हुआ, एक्सपीरियंस होल्डर विल बी प्रीफर्ड, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसे होना चाहिए। राइट गिविंग डिटेल्स टू ईमेल armankaun@gmail.com। अब आपको क्या करना है, ईमेल लिखना है तो सबसे पहले आपको उसका लिखना होगा जो जिसको आप भेज रहे हो, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर खुद का मेल लिखेंगे, फिर उसके बाद पूरा मैसेज इस तरह से लिखेंगे। ओके, चलो देखते हैं हम। अब देख रहे, हम आंसर लिखना है तो हम इस तरह से आंसर लिखेंगे। आपने देख लिया होगा यहाँ पे ऊपर एकदम साइड में आंसर लिखे हुआ है, उसके बाद आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, और टू लिख के उसका मेल लिखेंगे जिसको आप मेल लिख रहे हो। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द मोस्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉरी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके अंदर फिर आप सबसे पहले सल्यूटेशन लिखेंगे, डियर सर मैडम, उसके बाद आप अपना पूरा पैराग्राफ इस तरह से लिखेंगे, आई हैव रिसेंटली पास्ड माय बीई इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम JLM इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने बीई पास कर लिया हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, वो भी कहाँ से, क्या है, JLM इंजीनियरिंग कॉलेज से, ओके, और जो कि कहाँ है, रत्नागिरी में है, विथ अ पास परसेंटेज ऑफ 61, और पास परसेंटेज क्या है, 61 है, उससे मैंने क्या कर लिया हूँ, पास कर लिया हूँ। अब उसके बाद बंदा किस बारे में बात कर रहा है, आई अल्सो हैव 3 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, और मुझे 3 मंथ का क्या है, एक्सपीरियंस भी है, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रगति इलेक्ट्रॉनिक्स इन रत्नागिरी, और मुझे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का भी क्या है, अच्छे से एक्सपीरियंस भी है, और वो भी कहाँ हुआ उनको, रत्नागिरी में ही। द प्रोजेक्ट वॉज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ MHEL प्राइवेट लिमिटेड, और क्या है, उनके पास प्रोजेक्ट भी था, वो भी किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट का, ठीक है।
I do hope that you will consider me for appointment in your esteemed company. और मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे क्या करोगे, समझोगे और अपॉइंटमेंट दोगे या फिर अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर करोगे। आई शेल बी एबल टू अरेंज माई ओन एकोमोडेशन इन पुणे। और मैं क्या करूँगा, अपने जो एकोमोडेशन है उसको क्या करूँगा, अरेंज करूँगा। आई एंटीसिपेट एन ईयरली ईयरली कॉल फॉर एन इंटरव्यू। और क्या चाहते ये कि जल्द से जल्द कॉल इन्हें आ जाए इंटरव्यू के लिए। माई डिटेल्स आर इन द सी वी दैट आई हैव अटैच्ड। और मैंने क्या कर लिया, अपनी जो डिटेल्स अपनी जो सी वी उसे क्या कर लिया, अटैच कर लिया। जबकि इसके अंदर क्या कहा है, बायोडाटा नहीं देना, यानी कि सी वी हमें देने की ज़रूरत नहीं है। आई एश्योर यू ऑफ डेडिकेटेड सर्विस शुड आई बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सर्विस के लिए डेडिकेटेड है, सॉरी आई एश्योर यू ऑफ डेडिकेटेड सर्विस शल आई बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट। क्या मैं पोस्ट के लिए कंसिडर रहूँगा, कंसिडर होना चाहिए, ऐसा लिख के आप क्या कर लेंगे, यू आर ट्रूली एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ओके। पहले आप जिसको लिखना है उसको टू लिखेंगे और उसका ईमेल लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे लिखकर, और ऐसा पूरा पैसेज आप लिख देंगे। ये सब करने के आपको टोटल कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। ये जो पैसेज है ये आपका एक एक नंबर का है, ये ऊपर के 2 कॉलम के 1 नंबर है, और ये पूरा पैसेज के कितने मिलेंगे आपको, 2 नंबर मिलेंगे। ऐसे आपको टोटल 4 नंबर मिल जाएंगे, ओके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।